देखिए तो बाबू, आज हम लोग पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में, अने सत्ता की साझेदारी के बारे में। ठीक है, सत्ता के साझेदारी के बारे में, और ये क्लास टेंथ का बाबू टॉपिक है। ठीक है, क्लास टेंथ का एक टॉपिक है, और आपका एक तरह से देखा जाए तो इसमें हम लोग दो तरह के कहानी पढ़ेंगे। एक तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे बेल्जियम की कहानी, और हम लोग आज तो नहीं बात कर पाएंगे, लेकिन कल बात कर पाएंगे किसी बारे में, आपका श्रीलंकन कहानी के बारे में। ठीक है, तो आज बात करेंगे तो किसके बारे में हम लोग, अने बेल्जियम की कहानी के बारे में। ठीक है, और बेल्जियम के कहानी आज हम लोग जानेंगे, उसके साथ में वो जो आपका झारखंड अकेडमी के द्वारा जो प्रश्न जो पूछते हैं, इसमें आपके एक एक प्रश्न देखने के लिए मिले जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग सभी को क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, और जहां पे थोड़ा सा एरर लगे वहां पे थोड़ा सा पूछ लेना। ठीक है, और देखिएगा, तो सबसे पहले प्रश्न वो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि बेल्जियम की राजधानी वो कहाँ पे आपका है, तो आने ब्रुसेल्स है। ठीक है, और आपसे अगर ये प्रश्न पूछे कि ये किस महाद्वीप का देश है आपका, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये यूरोप का है। कहाँ का आपका, यूरोप। अगर हम लोग साथ में बात करें कि महाद्वीपों का संख्या कितना है, ठीक है, तो सात है आपका, कितना है आपका, सात। किसी को कंफ्यूजन है क्या, हाँ नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले बताया शुरू क्लास में, भारत का मैप सब सब कम्प्लीट करवा दिए हैं, तो उसमें कोई गड़बड़ होना चाहिए। देखिए, तो बाबू यह एक यूरोप का छोटा सा देश है, और इसके कारण बाबू कहाँ पे आपका, ब्रुसेल्स है। ठीक है, उसके बाद यूरोपीय संघ का मुख्यालय बाबू कहाँ पे आपका है, अने ब्रुसेल्स में, और ये झारखंड अकेडमी के द्वारा पूछे गए में से एक महत्वपूर्ण प्रश्नों में से ये बाबू एक है। ठीक है, मतलब ये पूछा ही जाता है आपका, हमेशा देखे इसको। उसके बाद बाबू आपका क्षेत्रफल के अगर दृष्टिकोण से अगर बात करें, तो हमारे भारत में, ठीक है, हमारे भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश 8 है। ठीक है, तो उसी में वो एक हरियाणा भी आता है। ठीक है, उसी में एक आता है हरियाणा, तो हरियाणा राज्य भी इसका वो क्षेत्रफल का आता है, और छोटा है किसका, अने बेल्जियम का, किसका, बेल्जियम का। ठीक है, उसके बाद वो यहाँ पे याद रखना की एक बात और है कि देश का वो सीमा जो है वो चार देश के साथ में लगता है, कितने देश के साथ में लगता है, चार देश के साथ। ठीक है, पहला कौन है आपका, नीदरलैंड, दूसरा आपका कौन है, लग्जमबर्ग, तीसरा आपका कौन है, फ्रांस, और चौथा कौन आपका, जर्मनी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि बेल्जियम की सीमा कितने से लगता है, क्या बोलेगा, चार से लगता है। कौन कौन लगता है आपका, नीदरलैंड, अब इस प्रकार जिस तरह खिड़ी प्रोत बनाया है ना, हाँ, एक कोई बोलिए, खड़ा को बोलिए, कौन बोल रहे के लिए सक्षम हो, सक्षम कौन हो, अच्छी बोलिए, हाँ ठीक है, बैठ जाइए। मतलब एक खाली लड़की इसलिए बोलते हैं, एक खाली संपर्क आज कल बारी हो रही है, लेकिन लड़का लोग देखो कितना बैठ पाए, लेकिन एक भी नहीं बैठ पाता है, बिजली करा लेते हैं अपना। देखो तो बाबू अने चार देशों का लगता है, कितने देशों लगता है, चार देशों। ठीक है, उसके बाद बाबू इसके बाद अगर बात करें बाबू किसका आपका, बेल्जियम का, तो 1 करोड़ से क्या आपका है, अने 1 करोड़ से थोड़े से अधिक है, जो कि हरियाणा राज्य की आपका आबादी से आधी है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि हरियाणा राज्य की जनसंख्या कितना होगा, 2 करोड़ होगा, कितना होगा, 2 करोड़। तो आपका बेल्जियम के जनसंख्या का कितना आपका, 1 करोड़ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसके जो सामाजिक जो जटिलता है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, जटिलता मतलब बताया थे आपका कि एक ही छोटे से ये देश आपका बेल्जियम, उसमें वो अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। ठीक है, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, उनका क्षेत्रफल कम है, लेकिन जाति मुनावट क्या आपका, बहुत अधिक है। ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं जातीय मुनावट। ठीक है, जैसे अभी हम लोग क्लासरूम में ही देख रहे हैं कि कितने सारे समुदाय के लोग यहाँ बैठे हुए आपका। ठीक है, उसके बाद एक और बात ध्यान रखना है कि देश की कुल आबादी में वो बेल्जियम की, ठीक है, बेल्जियम देश की कुल आबादी में आपका 59% लोग जो होते हैं वो कौन इलाका रहते हैं, वो फ्लेमिश इलाका रहते हैं, और वो कौन भाषा का उपयोग करते हैं आपका, डच भाषा बोलते हैं। ठीक है, जिस प्रकार हम लोग हिंदी लैंग्वेज का उपयोग करते हैं ना, उसी तरह से कौन डच भी क्या है, एक भाषा है। ठीक है, डच क्या है आपका, एक भाषा है। ठीक है, अब कोई नहीं बच्चा पूछेगा कि भाषा किसे कहते हैं, कल हमने बताया था नहीं, किन्हें बताए थे, हाँ बताए थे, याद रखना चाहिए। देखिए, अरे डच भाषा बाबो बोलते हैं, और 40% जो लोग होते हैं वे वेलोनिया इलाका में रहते हैं, और वो कौन भाषा बोलते हैं, वो फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, और शेष कितने बचे बाबू आपका, 1% लोग, 1% लोग कौन भाषा बोलते हैं आपका, अरे जर्मन भाषा बोलते हैं, कौन भाषा बोलते हैं, जर्मन भाषा बोलते हैं। अगर इसी का राजधानी देखे कहाँ के, अरे बेल्जियम का राजधानी कहाँ, ब्रुसेल्स के अगर देखे, तो वहाँ पे 80% जो लोग होते हैं वो आपके कौन, फ्रेंच भाषा बोलते हैं, और जबकि 20% जो लोग हैं वो कौन भाषा बोलते हैं, डच भाषा बोलते हैं। ठीक है, इसके अगला कारण वो जो श्रीलंका जो कहानी है ना, वो हम कल क्या बनाएंगे, अनेक कल बताएंगे। ठीक है, हाँ आज के लिए इतना ही।